कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो एक्सरसाइज 6 हमारी चल रही थी, इसमें रेखा और कोण के बारे में आपको बताया गया था, कल एग्जांपल भी बताया था और उसी के अनुरूप एक्सरसाइज 6 का पहला क्वेश्चन है कि आकृति में, ये वाली आकृति आपके लिए दे रखी है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु को ऊपर नीचे दिख रखी है। देखो एक तो ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है, वो ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है यानी प्रच्छेदित कर रही है। यदि कोण ए ओ सी, देखो ए ओ सी ये वाला प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला कोण, ये दोनों का योग है वो 70 डिग्री हो रहा है, यानी ये दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो 70 डिग्री के बराबर है। और कोण बी ओ डी का मान दे रखा है, बी ओ डी ये वाला जो कोण दे रखा है वो 40 डिग्री का आपके लिए दे रखा है। तो कोण BOE निकालना है, तो BOE ये वाला कोण आपको निकालना है, ये कितने का होगा। और प्रतिवर्ती कोण COE, COE का प्रतिवर्ती COE, COE ये वाला कोण दे रखा है, इसका हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है, यानी यहां से यहां तक का पूरा कोण निकालना है। प्रतिवर्ती कोण जानते ही हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, राध कोण को कहते हैं, ठीक है ना, कि जो कोण 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे, ये मान निकालेंगे, तो देखो हल करेंगे तो आपके लिए दे क्या रखा है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई ये बराबर 70 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और कोण बी ओ डी बराबर दे रखा है, बी ओ डी बराबर दे रखा है 40 डिग्री के, इक्वेशन नंबर 2 की, ये दोनों चीज हमारे लिए दी हुई है या लिखने के लिए दिया है। और ये वाला भी क्या है, हमारे लिए दिया है, ठीक है ना। अब हमें जो ज्ञात करना है वो तो निकालेंगे। तो देखो बेटा अपन ये देखें कि ये वाला और ये वाला ए बी और सी को प्रच्छेदी रेखा है और ये ओ बिंदु पर काट रही है, तो ये हमें पता है प्रवृत्ति आपके लिए कराई थी कि जब दो प्रच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने के शीर्षक कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये शीर्षक कोण है, लिख देंगे कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के। और इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी आमने सामने के कोण है। अब देखो बेटा बी ओ डी का मान है वो बी ओ सी के बराबर है, तो बी ओ डी का मान यहाँ 40 दे रखा है, इस बी ओ डी की जगह पे अपन यहाँ 40 भी रख सकते हैं, तो समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से अपन क्या निकाल सकते हैं, कोण ए ओ सी का मान होगा तो 40 डिग्री के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। ये याद कर लिया आपने कि ए ओ सी का मान आएगा वो 40 डिग्री के बराबर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ए ओ सी का मान हमारे पास 40 आ गया है, तो ए ओ सी का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो ए ओ सी का मान समीकरण 1 में रखने पर या लिखेंगे कि कोण ए ओ सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो ए ओ सी की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ 40, तो देखो 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर होगा 70 डिग्री। इसका अपन क्या करते हैं बेटा, पक्षांतर कर दें करने पर, तो कोण बी ओ ई का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 70 और ये रह जाएगा तो माइनस के 40, तो कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे तो बी ओ ई का ही मान निकालना था, बी ओ ई का मान, अब हमें सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है, तो सबसे पहले सी ओ ई कोण अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखो बेटा ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण मिलकर के कितने के बराबर है, 180 के बराबर है, नहीं है, तो देखो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई, सी ओ ई
ये बराबर हुआ 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 5, क्यों? क्योंकि रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से, यानी हमें पता है कि एक ही रेखा पर पड़ने वाले कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चूंकि हमें AOC और BOE का मान पता है 70 है, तो इस जगह पर 70 पुट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 70। तो समीकरण 1 और 5 से, समीकरण 1 और 5 से क्या आ जाएगा? इस जगह पर अपन मान क्या रख देंगे, 70 प्लस कोण COE बराबर है 180 डिग्री के, और इसका भी अपन पक्षांतरण कर देंगे तो कोण COE का मान निकल के आएगा 180 माइनस 70, कोण COE बराबर आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे वो आ जाएगा 110 डिग्री के। प्यारे विद्यार्थियों, COE का मान तो हमारा 110 आ गया, लेकिन यहां हम क्या कर रहा है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो आपको प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो 360 में से इस वाले कोण को घटा दो, वो इसका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर होगा 360 माइनस कोण COE के, 360 माइनस कोण COE के। अब 360 माइनस COE, COE का मान हमें पता है कितना है, 110 है, इसमें 110 घटा देंगे तो बेटा कितना आएगा, 250 आएगा। तो COE का जो प्रतिवर्ती कोण आएगा वो 250 डिग्री आएगा। तो इस हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना मान निकाल सकते हैं। इसी क्रम में अपन क्वेश्चन नंबर 2 को करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार का है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम ए और एम ए या एम ए बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री हो और ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो तो कोण सी का मान ज्ञात करो, तो कोण सी का मान ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप का एक चित्र आपके लिए दे रखा है, ये आपकी एक्स वाई है और ये आपकी एम एन है, ठीक है ना, और पी ओ वाई है ये वाला, ये 90 डिग्री आपका कोण बना रहा है, ये पी ओ वाई है वो 90 डिग्री का आपका कोण बना रहा है, यानी ये वाला कोण बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है, और ये वाला कोण ए है और ये वाला कोण बी है और ये वाला कोण है वो सी है, ठीक है। अब हमको कोण सी का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब सी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है ना। अब कोण सी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो देखो आपको पता है कि कोण पी ओ वाई बराबर है 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 5 ये तो दिया है। और देखो ए बी और ये वाला कोण मिल गया, ये 180 का होगा कहीं पर, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का मान जो निकल के आएगा 180 माइनस 90 आएगा, तो ए प्लस बी का मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2 कितने बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ए और बी में आपके लिए अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुपात दिया हुआ है कि ए अनुपात बी
बराबर है दो अनुपात तीन के। ठीक है, तो यहां मान लो, नहीं मान सकते हो आप कि माना ए बराबर है टू एक्स के और बी बराबर है तीन एक्स के। ए का मान टू एक्स है, बी का मान तीन एक्स के है। तो देखो अब ए का और बी की जगह मान को रख सकते हो, दो एक्स प्लस तीन एक्स बराबर हो जाएगा नब्बे के, तो पांच एक्स बराबर हो गया नब्बे के। तो एक्स का मान निकल गया वो नब्बे बटे पांच आएगा, पांच का सम भाग देंगे अठारह बार गया, एक्स का मान निकल गया वो अठारह डिग्री आ जाएगा। तो अपन ए का मान निकाल सकते हैं कि ए बराबर आएगा आपके लिए अभी करा देंगे जब आपका मैसेज आ जाएगा। धन्यवाद।